उस बच्चे ने जवाब देने से पहले एक सवाल हजरत उमर फारूक की बारगाह में कर दिया और यह कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर मेरे मां बाप का तो हक है, क्या मेरा भी कोई हक है कि जो मेरे मां बाप पर है? ये उस बच्चे ने सवाल किया। बड़े बचपन में दरबार में कहा, मेरे ऊपर मेरे मां बाप का हक है, मुझे मालूम है मेरे को अदा करना है, क्या मेरा भी कोई हक है जो मेरे मां बाप ने अदा करना है? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया हाँ। उस नौजवान ने पूछा कि क्या है? हजरत उमर फारूक ने फरमाया, पहला हक ये है तेरे लिए, तेरे मां बाप का, कि वो तेरे लिए अच्छी मां का इंतखाब करे, अच्छी मां का इंतखाब करे। तो जब उस नौजवान ने ये बात सुनी ना, तो हाथ जोड़ के अर्ज करते, हजूर मेरे वालिद ने मेरे लिए अच्छी मां का इंतखाब नहीं किया, मेरे बाप ने अच्छी मां का इंतखाब नहीं किया, मेरी मां जो है वो जमाने की एक ऐसी खातून थी कि जो मां होने और मां के अलावे की हकदार नहीं थी, वो एक लौड़ी की हैसियत से रह रही थी और उसने जो है अपनी अखलाकी अकदार को जो है मलहूस नहीं रखा हुआ था, उसको मेरे बाप ने मेरी मां के तौर पर एक मुंतखब किया। तो जब हजरत उमर फारूक ने बात सुनी ना, तो आपने उस नौजवान के बाप से कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए अच्छी माओ का इंतखाब नहीं करते और फिर उनकी शिकायतें लेके मेरे दरबार में आ जाते हो। तो जब माँ का इंतखाब अच्छा हो जाए तो फिर अगले तरबियत और तालीम के मामला वो तकरीबन हद ही होते, ठीक है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अल्लाह रहमा ने अपनी माँ से कहा ना कि माँ, मैं जब से बालिग हुआ हूं तब से नमाजें तो मैं पढ़ ही रहा हूं, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरी तहज्जुद की नमाज भी कजा नहीं होती, तहज्जुद की नमाज। और ये बात आपने पता क्यों की? इसलिए की कि मेरी माँ मुझे शाबाश देगी, हौसला बढ़ाएगी, कहेगी बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा नमाज भी पढ़ रहे हो, तहज्जुद भी पढ़ रहे हो। जब माँ ने ये बात सुनी ना, तो माँ कहने लगी, बेटा इसमें तेरा थोड़ी कमाल है, इसमें तेरा तो कोई कमाल नहीं है कि तू तहज्जुद भी पढ़ता है और नमाज भी पढ़ता है। तो आप थोड़े रंजीदा हो, पूछने लगे माँ और किसका कमाल है? तो माँ कहने लगी, बेटा इसमें उन 2 सालों का कमाल है कि जो 2 साल मैंने तुझे अपनी गोद में तरबियत में इस तरह पाला कि मैंने एक दिन भी तुझे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। समझो कि एक दिन तुझे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, तो उस पाक और बावजू हालत में पिलाए गए दूध की बरकत है। अल्लाह ने ना सिर्फ तुझे 5 नमाजों की तौफीक दी है, बल्कि साथ तुझे तहज्जुद के टाइम पे भी खड़ा कर दिया। तो जब माँ का इंतखाब हो तो बच्चे भी ऐसे नेक और साले पैदा होते और फिर ऐसे फरमाबरदार होते। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत पर ही बयान फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला को हदीस के रावी हैं, हुजूर से आपा के मजमे में वालिदैन के हुकूक के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि एक सहाबी खड़ा हुआ और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, कद अलिमना मा हक्कुल वालिद, या रसूल अल्लाह हमने जान लिया कि वालिद का क्या हक है, वालिद का क्या हक है। या रसूल अल्लाह मा हक्कुल वल्द अलैना, या रसूल अल्लाह ये भी बता दीजिए कि हमारी औलाद का हमारे ऊपर क्या हक है। तो हजूर ने 2 बातें बयान कर दी। हजूर ने फरमाया, औलाद का हक यह है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए और उनकी अच्छी तरबियत की जाए। पूछा गया, हुजूर उनकी तरबियत का फायदा क्या होगा? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह जिसको 2 बेटे दे या 2 बेटियां दे और बाप उनकी अच्छी तरबियत कर दे, वो कयामत के दिन अपने नबी मोहम्मद के साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां अच्छी, ठीक है। तो ये कितना बड़ा अजर है उसके लिए कि जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत पे तवज्जो देता है। पर किस वजह से आज नफ्सा नफ्सी का दौर है और हमी के दौर में हम ये अपना जुर्म कबूल करें और ये अपनी गफलत कबूल करें कि हम अपनी औलादों को टाइम नहीं देते, तरबियत के लिए नहीं देते। एक बाप बच्चों को सोता छोड़कर काम पे चला जाता है और जब वापस आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। यदि वो बाप का दर्जा तो रखता है, वो औलाद का दर्जा तो रखते हैं,
लेकिन वो जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है मां बाप का औलाद का वो ना होने के बराबर है। और इसी वजह से हमारे बच्चे जो है वो बड़े धड़ाधड़ ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और हम इसको जो है कामयाबी समझ रहे हैं वो जदीद एतबार से सैसी एतबार से तो है, लेकिन जो फिजिकली बरकत अल्लाह ने रखी है मां बाप के वजूद में वो शायद आप जानते नहीं है कि वो कितनी बरकत है। इमाम गजाली रहमा आखिर आते हैं कि मुर्गी जब कुड़क पे आती है मुर्गी तो 21 दिन के लिए वो अंडों पे बैठती है, अंडों पे बैठती है, कुछ भी नहीं करती, वहां पे कोई दाना नहीं चुन के रखती, वहां पे कोई और बाहर से मटीरियल नहीं ला के रखती, सिर्फ 21 दिन उन अंडों पे अपना सीना रख के बैठती। इमाम गजाली फरमाते हैं उस परिंदे और जानवर के सीने का ये कमाल है वो 21 दिन मुर्दा अंडों में पड़ा रहता है, अल्लाह मुर्दा अंडों से जिंदा बच्चे निकाल देता है सीने की बरकत। तो जब उस परिंदे और जानवर के सीने की ये बरकत है तो फिर मोमिन इंसान के सीने की क्या बरकत होगी कि जब कोई बच्चा या कोई शागिर्द या कोई मुरीद या कोई मुक्तदी जो है उस इल्म वाले और ईमान वाले सीने से रखता है तो अल्लाह उसको भी बरकत वाला बना देता है। तो इसलिए ये कब होगा जब औलाद और माँ बाप के दरमियान फिजिकली मतलब उनका रब्ता रहेगा, फिजिकली जो है बैठना उठना रहेगा। आपने आज थोड़ा सा 15-20 साल पीछे जाए तो हमारे घरों में नानियां दादियां वो अपने दोतों पोतों को बिठा के कहानियां सुनाती थी, उन कहानियों में उनकी तबीयत होती थी, उन कहानियों में जो है वो ऐसी ऐसी हिकमत और दराइवा भी बातें होती थी कि वो बच्चे जो है आज तक उनको याद करते और सुनाते कि मुझे दादी ने ये बताया नानी ने ये बताया। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस पे बड़ा जोर दिया है, हत्ता के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अला फितरा, कोई भी बच्चा जो पैदा होता है अल्लाह उसको पाक फितरत पे पैदा करता है, पाक फितरत, ठीक है, और उसकी फितरत का आप जजमेंट में इशारत कर आपको बताए बच्चा होता है ना बिल्कुल मासूम बच्चा 5-10 दिन का महीने का, आप उससे प्यार से बात करें ना तो वो प्यार के लहजे को भी समझता है कि मेरे साथ बात करने वाला खेलिया करने वाला खेलिया करने वाला प्यार से कर, और अगर उसको गुस्से से आप करें तो वो बच्चा अगरचे मासूम है बता नहीं सकता बोल नहीं सकता लेकिन लहजे और अंदाज को वो भी जान लेता है कि मेरे साथ गुस्से वाला मामला किया जा रहा है, फिर अचानक रोने लग जाता है, ठीक, तो वो एक पाक फितरत में होता है कि उसके लिए क्या चीज है अच्छी है क्या बुरी है उसको तब से पता होता है। हुजूर ने फरमाया फआबा बाबू, फिर बाप उसके लिए जो चाहे यू हबे दाना हूं यू हबे दाना ही और यू नस्से दाना ही और यू बच्चे साना, माँ बाप चाहे तो उसको यहूदी बना दे चाहे तो उसको ईसाई बना दे चाहे तो मजूसी बना दे, यानी बच्चा पाक फितरत में, फिर बाद में माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उसको क्या माहौल देते हैं क्या तरबियत करते हैं वो बच्चा जो है किस तरह के माहौल में अपने आप को डेवलप करता है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हजरत अमर बिन असलम रजी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि मैं अपना बचपन जो है वो हजूर की बारगाह में मैंने गुजारा है, आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार भी करते उनकी तरबियत भी करते और बच्चों की तरबियत में आप जो है एक रत्ती बराबर भी जो है वो गफलत नहीं करते। आप फरमाते हैं कि मैं छोटा था मेरी माँ ने जो है मुझे हजूर की बारगाह में पेश कर दिया, जब से आप खाना खाते तो मेरी आदत थी बचपना था मैं कभी उससे आदमी के पास जाके बैठता कभी उसके पास कभी उसके पास कभी उसके पास, तो हुजूर ने एक दिन मुझे रोका और मेरे हाथ से पकड़ कर फरमाया या गुलाम ऐ गुलाम सब बिंदा जब भी खाना खाया करो बिस्मिल्लाह पढ़ा करो कि वो खाना शैतान के दखल से महफूज हो जाता है, और हुजूर ने फरमाया जब भी खाना खाओ दाएं हाथ से खाओ और जब भी खाओ मिश्मा यदीन का जो तुम्हारे सामने है वहां से खाओ, ये बार बार उठ के उधर जाना इधर आना उसके आगे बैठना उसके आगे से खाना ये जो है इस्लामी तरबियत के बरक्स है। तो ये अजूम का तरीका था कि आपके पास चाहे हसन हुसैन की शक्ल में नवासे थे या आपके पास हजरत उसामा हजरत अमर बिन असलम या दीगर जो भी सहाबा किराम बचपन की हालत में
आपके पास मौजूद रहे तो आपने उनकी तरबियत की, अपनी उम्मत को जो है तालीम दी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमारे ऊपर ये बतौर हक जिम्मेदारी आयद की है कि हम जो है अपनी औलाद की तरबियत में, उनके अदब में, उनकी तालीम में जो है कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त न करें। और आज अगर हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे तो यकीन कल को हमारी औलादें, हमारी नस्लें इस माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छे शहरी और जिम्मेदार शहरी के तौर पर सामने आएंगे। और ये तरबियत का सिलसिला चलता भी ऐसे है कि फर्द से घर तक होता है और घर से फिर जो है माशरे के लिए होता है। तो जब हम ये मामला करेंगे कि भाई उस्ताद ये फैसला कर दें कि माँ बाप जाने और उनके बच्चे जाने, और माँ बाप ये कह दें कि भाई उस्ताद जाने और बच्चे जाने, यानी हमारा बच्चा जो इस दौर का पिस रहा है ना और तरबियत से महरूम होना है, तो इस वजह से हो कि माँ बाप ने जिम्मेदारी असातिज़ा पे छोड़ दी हुई है, असातिज़ा ने जिम्मेदारी माँ बाप पे छोड़ दी है, और दरमियान में जो है उस बच्चे को वो संभालने वाला कोई नहीं। और फिर बदकिस्मती ये है कि जो तरबियत का पीरियड है बच्चे का तरबियत का पीरियड है 5 से 10-11 साल, ये उसका ज्यादा से ज्यादा तरबियत का पीरियड, ये वाला पीरियड हम उसके लाभ उठाने में गुजारते हैं। और जब ये पीरियड हम जाय कर बैठते हैं, फिर बच्चा बाप को माँ को आंखें दिखाता है तो फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कोई जादू हो गया, कोई तमीज हो गया, कोई नजर लग गई, फला हो गया, ये हो गया। ये पीरियड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए उनको नमाज की तलकीन करो, फिर जरा 10 साल के हो जाए और अगर नमाज ना करे तो उन पर सख्ती करो, ठीक है। अब ये तरबियत का पीरियड, और इसमें उसकी जो दबाव की स्लेट है वो खाली है, दबाव की जो तख्ती है बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने उस पर कुछ ना लिखा तो कोई और लिख देगा। अगर आपने इस टाइम में उस बच्चे के दिमागी मतलब है सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में आपने अपनी तरबियत अखलाक पर तालीम का नूर ना डाला, तो फिर जब वो इस उम्र के बाद किसी और के पास बैठेगा कोई उसका सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट कर देगा कि जो शायद हमारे और हमारे हक में और घर में बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए इस दौर का, इस माशरे का ये सुलगता हुआ मसला है तरबियत के तमाम पहलुओं को देखते हुए, इसको कभी भी नजरअंदाज न करें और अपनी औलाद के साथ फिजिकल ताल्लुक रखें, उनको बिठाएं, समझाएं, किसी न किसी माने से उनका जो मतलब एक मेंटली सिस्टम है उसको अपने ही मेंटली सॉफ्टवेयर के साथ अटैच रखें। जो आप पसंद करते हैं उनके दबाव में वही डिलीवर करें, वो मासूम है, बाहर से बेखबर है, आप निचोर हैं, हर दफे नुकसान से आप वाकिफ हैं, उनको बताएं, उनको उनके हाल पे ना छोड़ें, या इस पे ना छोड़ें कि ठीक है जी मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, वो वहाँ से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये कोई जिम्मेदार बाप की जो है वो अलामत नहीं होती। अल्लाह के हुजूर इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हैसियत मुसलमान, हैसियत मुस्लिम हमें औलाद के हकूक की जिम्मेदारी अदा करके निभाने और इस पे अपना बेहतर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ Allah'a emanet olun.